Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will study Class 10 Science Chapter 2 Acids, Bases and Salts Concept Overview. In this session we will study Introduction to Acid, Base and Salts, Theories of Acids and Bases, Brief Details about Acids like organic acid, mineral acid, strong and weak acids, properties of acids and usage of acids. I will try to explain each topic through PowerPoint presentation in English and Hindi mix to understand easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the details for notes preparation and practice. If you understand and satisfy our learning pattern, please subscribe our channel and turn on notification for complete study of each chapter and latest update. Now let us start the topic. So, aaj hum chapter 2 acid, base and salt padhenge. तो एसिड, बेस और साल्ट होता क्या है? एसिड, एसिड का मतलब एसिड, अगर कोई है तो उसका जो टेस्ट होता है वो सुर होता है। अगर एसिड सॉल्यूशन है, कोई सब्सटेंस है जो एसिड सॉल्यूशन, तो उसका टेस्ट वाटर में सुर होता है। टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, न्यूट्रलाइज बेस, जो एसिड होता है वो क्या होता है? डोनर होता है, हाइड्रोजन आयन का डोनर होता है। अपना जो हाइड्रोजन आयन है दूसरे सब्सटेंस को देता है। वही बेस होता है, बेस का बीटर टेस्ट होता है, स्लिपरी चिपचिपा साबुन सूप जैसा होता है टेक्सचर उसका। टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, न्यूट्रलाइज एसिड, जो बेस होता है वो क्या, वो सब्सटेंस हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करता है, जो एसिड से हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है, बेस एक्सेप्ट करता है। वही साल्ट न्यूट्रल मटेरियल होता है, इसका कोई लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर कोई सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल मटेरियल, मतलब कि न्यूट्रल सब्सटेंस है, देयर इज नो इफेक्ट ऑन लिटमस। ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रहेगा, रेड रेड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो मतलब अ सब्सटेंस दैट टेस्ट सोर इन वाटर, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड न्यूट्रलाइजेज बेसिस इज नोन एज एसिड। सब्सटेंस जिसका वाटर में टेस्ट सोर खट्टा होता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, बेस को न्यूट्रलाइज करता है, उसे एसिड कहते हैं। एन एसिड इज एन एनी हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग अ प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन, जिसको कैसे लिखते हैं, एच प्लस, टू अनदर सब्सटेंस। जो एसिड होता है वो क्या होता है, कोई भी हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है, कैपेबल हो हाइड्रोजन आयन डोनेट करने का, दैट इज एसिड। वही बेस इन एक्वेस सॉल्यूशन टेस्ट बीटर एंड स्लिपरी टेक्सचर। स्लिपरी मींस सोप टाइप का, चिपचिपा सोप आप देखें, ये स्लिपरी, जब आप सोप कुछ वो करेंगे छुएंगे तो पता चलेगा कि कैसे, मतलब एक चिकनाई उसमें होती है। तो वैसे ही जो बेस होता है उसमें भी उसी तरह का होता है। टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू एंड और न्यूट्रलाइज एसिड्स। तो जो बेस होता है वो उसका टेस्ट बीटर होता है, टेक्सचर स्लिपरी होता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, दैट इज कॉल्ड बेस। अब बेस इज ए मॉलिक्यूल और आयन able to accept a hydrogen ion from an acid. बेस वो मॉलिक्यूल आयन है जो
एसिड से जो हाइड्रोजन है डोनेट होता है उसको एक्सेप्ट करने की जिसके पास क्षमता होती है, दैट इज अ बेस। और साल्ट इज अ न्यूट्रल मटेरियल, देर इज नो चेंज इन लिटमस, ऑन लिटमस पेपर देर इज नो इफेक्ट, कोई चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए तीन तरह की थ्योरी दी गई हुई है, एक आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड बेस, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड बेस एंड लुईस थ्योरी ऑफ एसिड बेस। तीन लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज है, सारी का निचोड़ एक ही है, लेकिन जो देर आर थ्री डिफरेंट थ्योरीज इन ऑर्डर टू डिफाइन एसिड्स एंड बेस। सबसे पहले आर्हेनियस ने थ्योरी दिया, इनके अनुसार क्या है, एन एसिड जेनरेट्स हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन, वेयर एज अ बेस प्रोड्यूस ओएच माइनस हाइड्रोक्सिल आयन इन इट्स सॉल्यूशन। आर्हेनियस ने कहा कि जो एसिड होता है वो सॉल्यूशन में H प्लस आयन जेनरेट करता है, जबकि बेस हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस आयन सॉल्यूशन में प्रोड्यूस करता है। एग्जांपल ऑफ आर्हेनियस एसिड जैसे कि HCl, जब HCl के सॉल्यूशन तो क्या होगा, H प्लस और Cl माइनस। नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, कार्बोनिक एसिड H2CO3, एसिटिक एसिड CH3COOH, ऑल आर आर्हेनियस एसिड। आर्हेनियस बेसिस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका फॉर्मूला है NOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH वोल्टाइज, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH वोल्टाइज, ऑल आर आर्हेनियस बेस। तो जो आर्हेनियस ने एसिड बेस को डिफाइन किया, उन्होंने कहा कि एसिड वो होता है जो H प्लस आयन सॉल्यूशन में जनरेट करता है, और बेस वो होता है वो सब्सटेंस है जो सॉल्यूशन में OH माइनस आयन जनरेट करता है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड बेस, दूसरा जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने थ्योरी दिया, उनके अनुसार एन एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर एंड अ बेस एज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। उन्होंने कहा कि जो एसिड है वो सब्सटेंस है जो प्रोटीन डोनेट करता है, और बेस वो है जो प्रोटीन को एक्सेप्ट करता है। तो जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड इज अ सब्सटेंस विच डोनेट अ प्रोटॉन और H plus ion to other compound and forms a conjugate base। जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड है वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को मतलब H plus ion को डोनेट करता है दूसरे कंपाउंड को, और क्या बनाता है, कंजुगेटेड बेस। और ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस क्या होता है, वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और वो बनाता है कंजुगेटेड एसिड। ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस इज अ सब्सटेंस विच एक्सेप्ट अ प्रोटॉन और H प्लस आयन फ्रॉम द अदर कंपाउंड एंड फॉर्म्स कंजुगेटेड एसिड। तो जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने एसिड बेस की थ्योरी दिया, उनके अनुसार जो एसिड है वो प्रोटॉन डोनर है, H प्लस आयन डोनेट करता है, और जो बेस होता है वो क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, मतलब कि जो H प्लस आयन एसिड दे रहा है उसको एक्सेप्ट करता है, मतलब कि वो क्या बनाता है, जो बेस है वह प्रोटॉन एक्सेप्ट करके कंजुगेटेड एसिड बनाता है। वही जो एसिड है वो प्रोटॉन डोनेट करके कंजुगेटेड बेस बनाता है। एज फॉर एग्जांपल, जैसे कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी
एसिड HCl और बेस क्या हो गया NH3। अब जब ये क्या है, इन्होंने क्या बनाया, कंजुगेटेड बेस Cl माइनस क्लोराइड और कंजुगेटेड एसिड NH4+। जब इनका वो होता है तो ये क्लोराइड कंजुगेटेड बेस बनाते हैं और ये कंजुगेटेड एसिड NH4। वैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड प्लस वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो गया ब्रोंसिलरी एसिड हो गया और वाटर एचएस बेस ब्रोंसिलरी बेस तो HSO4 बाइसल्फेट, ये कंजुगेटेड बेस हो गया। यहां से क्या हुआ, एक डोनेट किया H2SO4 से तो HSO4 बन गया, दैट इज अ कंजुगेटेड बेस। अब एच यहां क्या हो गया, H3O+ हो गया, यहां से एच एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज अ H3O+ कंजुगेटेड एसिड। वैसे नेक्स्ट एग्जांपल HO3 नाइट्रिक एसिड एंड CH3OH मिथेनॉल, नाइट्रिक एसिड इज ब्रोंसिलरी एसिड एंड मिथेनॉल इज ब्रोंसिलरी बेस। अब यहां क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन डोनेट करेगा, मतलब डोनर H+ आयन बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा NO3-, दैट इज अ नाइट्रेट, दैट इज अ कंजुगेटेड बेस। और यहां क्या हो जाएगा CH3, अब यहां एक्सेप्ट करेगा CH3OH2+ मिथेनॉलियम, दैट इज अ कंजुगेटेड एसिड। वैसे ही अगर एसिटिक एसिड CH3COH, दैट इज अ एसिड ब्रोंसिलरी एसिड एंड वाटर एक्सेस ब्रोंसिलरी बेस, ये जब आपस में रिएक्ट होंगे तो क्या होगा एसिटेट CH3COA, यहाँ पे H एंड डोनेट किया एसिड ने एज ए डोनर, तो क्या हो गया यहाँ पे CH3COA-, दैट इज अ कंजुगेटेड बेस एंड H3O+, यहाँ पे ये जो बेस है एक्सेप्ट किया है, तो जो कंजुगेटेड एसिड बनेगा H3O+ हाइड्रोनियम एंड दैट इज अ कंजुगेटेड एसिड। तो जो ब्रोंस्टेनलॉरी ने एसिड बेस थ्योरी दिया उनके अनुसार जो एसिड वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को डोनेट करता है, मतलब H+ आयन डोनेट करता है, और बेस वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, मतलब कि जो ब्रोंस्टेनलॉरी एसिड है वो प्रोटॉन डोनेट करता है और क्या बनाता है कंजुगेटेड बेस बनाता है, दूसरे कंपाउंड को H+ देता है और उससे कंजुगेटेड बेस बनता है। वैसे जो ब्रोंस्टेनलॉरी बेस होता है वो प्रोटॉन अदर कंपाउंड से एक्सेप्ट करके, मतलब H+ आयन एक्सेप्ट करके कंजुगेटेड एसिड बनाता है। नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं। लुईस डेफिनेशन ऑफ एसिड बेस, इनके अनुसार एसिड एज ए इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड बेस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। जो लुईस एसिड एसिड बेस थ्योरी है उसके अनुसार उन्होंने कहा कि जो एसिड होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सेप्टर होता है और जो बेस होता है वो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो मतलब कि जो एसिड है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, मतलब कि उसके पास अनऑक्युपाइड स्पेस है, जो उसका ऑर्बिटल ऑर्बिट है उसमें खाली है, इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, एक लो कम इलेक्ट्रॉन है तो एक्सेप्ट करेगा। जो बेस है उसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं इसलिए वो डोनेट करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो क्या है लुईस एसिड होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप होता है इलेक्ट्रोफाइल, तो लुईस एसिड के हिसाब से एसिड एज ए इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड बेस एज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। A species that has vacant orbitals and can accept an electron pair is called Lewis acid.
वो सब्सटेंस जिसका ऑर्बिट क्या वैकेंट होता है और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, दैट इज अ लुईस एसिड। तो जितने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो ऑल इलेक्ट्रोफाइल इज लुईस एसिड एज इलेक्ट्रॉन एज इट इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप एंड कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इजिली। जब किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इजिली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो एसिड यूज इट्स लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट इज नोन एज लूमो टू फॉर्म बॉन्ड विथ बेसेज। ऑल केटायंस आर लुईस एसिड। जितने भी केटायंस होते हैं जैसे कि कॉपर Cu2+, Zn2+, Fe2+, Fe3+, ऑल आर लुईस एसिड, दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। दिस स्पीसीज दैट हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड लुईस बेस। लुईस बेस वो होता है जिसपे जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक्सेस इलेक्ट्रॉन पेयर होता है और वो इजिली डोनेट कर सकता है दूसरे को, दैट इज अ लुईस बेस। जो इलेक्ट्रॉन सरप्लस ग्रुप होते हैं उनको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। इसलिए ऑल न्यूक्लियोफाइल इज लुईस बेस। अ न्यूक्लियोफाइल इज अ लुईस बेस एज इट इज एन इलेक्ट्रॉन सरप्लस ग्रुप एंड कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स इजली। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वो इजली, जिसके पास कम है एक्सेप्टर है वो तुरंत, जब दोनों आपस में रिएक्ट होंगे तो तुरंत जो इजली जिसके पास ज्यादा है उससे इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा जिसके पास कम है। द बेस यूजेज इट्स हाइएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट मीन्स एच होमो टू फॉर्म बॉन्ड विथ एसिड, जिसमें सबसे ज्यादा उसके ऑर्बिटल ऑर्बिट में होते हैं वहां से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। एनायंस कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स सो दे एक्ट एज लुईस बेस। जितने भी एनायन होते हैं वो इजली क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं एक्ट एज लुईस। जैसे कि क्या Cl- F- OH- Cn- ऑल आर लुईस बेस। जैसे कि ये क्लोराइड हो गया Cl- इजली डोनेट कर सकता है। तो जितने न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो क्या होते हैं लुईस बेस होते हैं और जितने इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो लुईस एसिड होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट ग्रुप होता है इसलिए इजिली इलेक्ट्रॉन को पेयर को एक्सेप्ट करेगा। वही न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन सरप्लस ग्रुप होता है जो इजिली डोनेट करेगा। तो जो लुईस एसिड बेस थ्योरी है मोस्टली एक्सेप्टेड थ्योरी अभी है और इनके अनुसार एज एसिड इज अ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड बेस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ऑल केटायंस आर लुईस एसिड व्हेरेज ऑल एनायंस एक्ट एज लुईस बेस। तो जो एसिड बेस की डेफिनेशन है मेनली थ्री थ्योरीज के ऊपर डिपेंड है, आरएनएस थ्योरी ऑफ एसिड बेस, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड बेस एंड लुईस थ्योरी ऑफ एसिड बेस। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। एसिड्स, अब थोड़ा सा एसिड्स को हम डिटेल में जानते हैं क्या होता है कैसे एसिड्स। एसिड्स आर दोज सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट सोर होता है। दे चेंज ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल द सोर टेस्ट ऑफ लेमन इज ड्यू टू द सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन इट। जो लेमन होता है उसमें उसका जो खट्टापन होता है क्यों होता है, क्योंकि उसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। सिट्रिक एसिड इज ऑर्गेनिक एसिड। कर्ड आर सोर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड। कर्ड भी जो खट्टा होता है
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड। कर्ड में क्या लैक्टिक एसिड होता है, इमली, इमली आपने सुना होगा, इमली में टार्टरिक एसिड होता है, ये ऑल आर ऑर्गेनिक एसिड। तो जो एसिड होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो सोर होता है, ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल एंड एनिमल अल्काड ऑर्गेनिक एसिड। जो एसिड प्लांट मटेरियल और एनिमल से प्रेजेंट होते हैं या डिराइव्ड होते हैं दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। जैसे कि एस्टिक एसिड, विनेगर, एस्टिक एसिड विनेगर, विनेगर को जो हम कहते हैं नेचुरल विनेगर जो होता है उसमें एस्टिक एसिड होता है, हम विनेगर यूज करते हैं घर पे। सिट्रिक एसिड, लेमन ऑरेंज, लैक्टिक एसिड, कर्ड मिल्क, टार्टरिक एसिड, तामरिंद, फॉर्मिक एसिड, ऑल आर ऑर्गेनिक एसिड, दे आर प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल्स एंड एनिमल्स। तो जो ऑर्गेनिक एसिड होता है वो डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट मटेरियल्स एंड एनिमल्स, ऑल आर वीक एसिड। द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। जो एसिड मतलब मिनरल्स से प्रिपेयर किए जाते हैं वो मिनरल एसिड, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑल आर मिनरल एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड इसका फॉर्मूला HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये सारे मिनरल्स से बनते हैं, हम सिंथेटिक अपने इंडस्ट्री मतलब तैयार करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होता है जिसमें जो हाइड्रोजन आयन है वो क्या कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड इज एन एसिड दैट आयनाइजेस कंप्लीटली इन एक्वेस सॉल्यूशन। इट ऑलवेज लूजेज अ प्रोटॉन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो एसिड है जो एक्वेस सॉल्यूशन, एक्वेस सॉल्यूशन मतलब वाटर, एक्वेस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, मतलब कि कंप्लीटली जो H+ आयन है लूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड पोजेस हायर कंडक्टिविटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड एटम्स। इट कंटेन्स मोर अनपेयर्ड एटम्स, हेंस इट कंडक्टिविटी जो है इज हायर, इट विल पास मोर करंट देन वीक एसिड। जो एसिड में क्या है इलेक्ट्रिक करंट जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जितने भी एसिड्स हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। पीएच जो स्ट्रॉन्ग एसिड का होता है लोअर देन 3, पीएच स्केल 0 से 14 का पीएच स्केल होता है। पीएच से हम बताते हैं कि ये एसिड है, बेस है, न्यूट्रल है, जिसे कि हम लिटमस पेपर से चेक करते हैं। दूसरा हम पीएच देखते हैं, पीएच का मीनिंग है कि कितना हाइड्रोजन जो आयन है जो आयनाइज हुआ उस, तो जो इतने स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, हाइड्रोजन आयन उसके कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, तो उसकी जो पीएच होते हैं वो लेस देन 7 होता है। पीएच एसिडिक जो होता है सोल्यूशन उसका पीएच लेस देन 7 होता है, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उसका पीएच लोअर देन 3 होता है। पीएच इज लोअर देन केस 3 इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट रेंज फ्रॉम 0 टू 3। एज फॉर एग्जाम्पल
जितने मिनरल एसिड होते हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जितने ऑर्गेनिक एसिड हैं वो वीक एसिड होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑल आर स्ट्रॉन्ग एसिड, दे पोजेस हायर कंडक्टिविटी, दे लूज प्रोटॉन कंप्लीटली इन एक्वेस सॉल्यूशन। वही वीक एसिड इज एन एसिड दैट अनाइज पार्शियली इन सॉल्यूशन, मतलब कि जो H प्लस आयन होता है उसमें वो कुछ डिजॉल्व होता है, आयनाइज होता है। अगर वाटर में हम करें, इट गिव ऑफ ओनली अ फ्यू ऑफ इट्स H प्लस एटम्स व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। वीक एसिड पोजेस लोअर कंडक्टिविटी इन कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज ड्यू टू द लेस अनपेयर्ड एटम्स प्रेजेंट इन इट। pH is higher than 3 in case of weak acid, it range from 3 to 7. pH scale pe 0 to 7 is acidic, 7 to 14 pH ka scale hota hai, 0 to 14 ka hota hai, jisme 0 to 7 scale is acidic, 7 to 14 is basic, 7 neutral. To jo स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका जो पीएच स्केल पे जो रेंज होता है 0 to 3 होता है, और जो वीक एसिड होता है उसका जो रेंज होता है पीएच रेंज 3 to 7। एज फॉर एग्जाम्पल एस्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड ऑल आर वीक एसिड एंड ऑल आर ऑर्गेनिक एसिड। इसीलिए हमने कहा कि जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं जो मिनरल्स से डिराइव्ड होते हैं ऑल आर स्ट्रॉन्ग एसिड, वेयर एज जो प्लांट और एनिमल्स से डिराइव एसिड है ऑल आर वीक एसिड। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब है उसमें जो वाटर कंटेंट है बहुत कम है। इट इज वन विच कंटेन्स द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर। जो कंसेंट्रेटेड एसिड होता है उसमें जो अमाउंट ऑफ वाटर होता है बहुत ही कम है। और डाइल्यूट एसिड इट कंटेन्स मच मोर ऑफ वाटर इन इट। डाइल्यूट एसिड आर दैट एसिड दैट कंटेन्स मच मोर वाटर ऑफ इन इट। Whereas concentrated acid, which contains the minimum possible amount of water. अब एसिड को डाइल्यूट कैसे करते हैं? अगर एसिड को डाइल्यूट करना है तो कैसे करते हैं? क्योंकि एसिड क्या है, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब कि हीट इवॉल्व होता है, मतलब कि एक्सोथर्मिक है। तो हम एसिड को वाटर डायरेक्ट एसिड में डाल देते हैं या एसिड को वाटर में धीरे धीरे हम डालते जाते हैं, मिक्स करते जाते हैं। तो एसिड का जो मिक्सिंग है, डाइल्यूशन है उसका, एसिड को ग्रेजुअली हम वाटर में मिक्स करते जाते हैं जिससे कि जो उससे हीट निकलेगा वो धीरे धीरे ग्रेजुअली निकलेगा और सराउंडिंग्स में बहुत ज्यादा नहीं होगा। अगर हम वाटर में को डायरेक्ट एसिड में डालते हैं तो क्या होगा, हो सकता है कि एक ही बार ज्यादा हीट बने जिससे कि जो वाटर हमने डाला स्टीम में बदल जाए। अभी स्टीम मतलब एक्सप्लोसिव हो जाए, तो हो सकता है कि हमारे चेहरे पे पड़ जाए, हमारे कपड़े पे पड़ जाए। इसलिए जो एसिड की डाइल्यूशन होता है उसको हम वाटर में एसिड को धीरे धीरे मिलाते जाते हैं, स्टेरिंग करते जाते हैं जिससे कि डाइल्यूशन होता जाता है। तो डाइल्यूशन इन एसिड बहुत कॉन्शियस तरीके से, क्योंकि काफी क्रोसिव होता है, एक्सप्लोसिव होता है, तो हजार्डस है,
काफी सावधानी से करने के, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग द कंसेंट्रेटेड एसिड विथ वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब है कि हीट को इवॉल्व करता है, हीट को सराउंडिंग्स में भेजता है, मतलब हीट आती है। तो डाइल्यूशन ऑफ कंसेंट्रेटेड एसिड शुड ऑलवेज बी डन बाय एडिंग कंसेंट्रेटेड एसिड टू वाटर ग्रेजुअली विथ स्टीरिंग एंड नॉट बाय एडिंग वाटर टू कंसेंट्रेटेड एसिड। तो जो कंसेंट्रेटेड एसिड की डाइल्यूशन है, हमेशा वाटर में एसिड को धीरे धीरे डालते हैं और स्टीयर करते रहते हैं, न कि डायरेक्ट वाटर को कंसेंट्रेटेड एसिड में डाल देते हैं। व्हेन कंसेंट्रेटेड एसिड इज एडेड टू वाटर फॉर प्रिपेयरिंग डाइल्यूट एसिड देन हीट इज इवॉल्व ग्रेजुअली इजिली अब्सॉर्ब्ड बाय लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। अगर एसिड को हम वाटर में डालेंगे डाइल्यूट करने के लिए तो क्या होगा, हीट इवॉल्व होगा धीरे धीरे, धीरे धीरे हम डाल रहे हैं तो जो वाटर है जब धीरे धीरे डालेंगे तो ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर इजिली अब्सॉर्ब कर लेगा। वही अगर इफ वाटर इज एडेड टू कंसेंट्रेटेड एसिड देन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व एट वंस, एक ही बार लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा, मतलब कि वाटर में बी स्टीम, दिस हीट चेंज सम ऑफ वाटर टू स्टीम एक्सप्लोसिवली विच कैन स्प्लैश द एसिड ऑन आवर फेस और क्लॉथ। अगर हम डायरेक्ट वाटर को ही एसिड में डालने लगे तो क्या होगा, एक ही बार लार्ज अमाउंट में मतलब ज्यादा अमाउंट में हीट इवॉल्व होगा, जब हीट निकलेगा तो हो सकता है कि जो वाटर है वो स्टीम में तब्दील हो जाए और हमारे फेस पे हमारे कपड़े पड़े, तो दैट इज अ हजार्डस। इसीलिए हमेशा ही डाइल्यूशन जब एसिड का करते हैं तो एसिड को वाटर में धीरे धीरे स्टीरिंग के साथ मिक्सअप करते हैं, जिससे कि जितना हमें डाइल्यूट करना है डाइल्यूट सॉल्यूशन एसिड का उसी हिसाब से बनता है, न कि एसिड में डायरेक्टली हम वाटर मिला देते हैं। तो अगर वाटर डालेंगे तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, अचानक एक ही बार ज्यादा हीट निकलेगा, इसलिए हमेशा ही एसिड की डाइल्यूशन में कॉन्शियस होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, एसिड की क्या प्रॉपर्टीज है। एसिड आर क्रोसिव इन नेचर, जो एसिड होता है वो क्रोसिव होता है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अभी हमने कहा ना कि गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का होता है। देयर पीएच वैल्यू आर ऑलवेज लेस देन 7। एसिड आर सोर इन टेस्ट, जो एसिड का टेस्ट होता है वो सोर होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, जब एसिड मेटल से मतलब मोल्टेन मेटल से जब रिएक्ट होता है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, जैसे कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक, जिंक मेटल से जब रिएक्ट हो रहा है तो क्या, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस मैग्नीशियम, दैट गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जो एसिड मेटल से रिएक्ट होता है टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, इन ऑर्डर टू डिटेक्ट हाइड्रोजन गैस क्या करेंगे, ब्रिंग कैंडल नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। अगर हमें पता करना है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है तो उसका क्या टेस्ट करेंगे, एक कैंडल को जो हमने टेस्ट ट्यूब में लिया है सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक को, उसके टेस्ट माउथ पे जब हम कैंडल को ले जाएंगे तो क्या होगा, तुरंत जल जाएगा विथ पॉप साउंड, द गैस विल बर्न ब्राइटली विथ अ पॉप साउंड। कर्ड एंड अदर सोर सब्सटेंस शुड नॉट बी केप्ट इन मेटल वेसल, मेटल के कम जैसे कि कॉपर और ब्रास क्या है, मेटल है, इसमें जितने भी सोर सब्सटेंस हैं इसमें नहीं रखते हैं,
क्योंकि कंटामिनेट होगा, रिएक्टिव है, बिकॉज दे कंटेन एसिड विच रिएक्ट विथ मेटल ऑफ द वेसल टू फॉर्म पॉइजनस कंपाउंड विच कैन डैमेज आवर हेल्थ। इसीलिए जैसे कि जितने भी सोर टेस्ट के होते हैं, एसिड क्या सोर इंटेस्ट होता है, अपकड़ है या जितने भी सोर सब्सटेंस हैं, अगर आप उसको मेटल कंटेनर में रखते हैं तो क्या होगा, मेटल से रिएक्ट हो जाएगा, मेटल से रिएक्ट हो जाएगा तो क्या बनेगा, पॉइजनस कंपाउंड बनेगा जो हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए कर्ड और अदर सोर सब्सटेंस को मेटल वेसल जैसे कि कॉपर और ब्रास के कंटेनर में नहीं रखते। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, एसिड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज मेटल साल्ट एंड वाटर व्हेन दे रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। अगर कोई एसिड जब मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट होता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल साल्ट और वाटर। जैसे कि एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब मेटल कैल्शियम कार्बोनेट कार्बोनेट से रिएक्ट हुआ तो क्या बना, मेटल साल्ट, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड प्लस मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgSCO3 होल ट्वाइस दैट गिव्स मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो एसिड है अगर मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट होता है तो मेटल साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड देता है। वही अगर एक्सेस जैसे कि सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl दैट गिव्स NaCl प्लस H2O, सोडियम क्लोराइड साल्ट हो गया, H2O वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास कर टर्म्स मिल्की हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर विद टर्म्स मिल्की, मिल्की कलर में चेंज हो जाता है। अगर वही अगर इफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू द लाइम वाटर व्हाइट प्रेसिपिटेट डिजॉल्व एंड सॉल्युबल कंपाउंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज फॉर्म्ड। अगर हम एक कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैल्शियम लाइम वाटर में से रिएक्ट करते हैं, पास करते हैं लाइम वाटर में, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो क्या होता है, इट टर्म्स मिल्की, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है एंड वाटर। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, मिल्की कलर, टर्म्स मिल्की, दैट इंडिकेट्स प्रेसिपिटेट बनता है। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट में एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करें तो क्या होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो प्रेसिपिटेट है वो क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा और सॉल्युबल कंपाउंड बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब कैल्शियम HCO3 बाइकार्बोनेट, ऑल्सो नोन एज कैल्शियम बाइकार्बोनेट। CHCO3 प्लस CO2 एक्सेस हमने फिर से अगर किया प्लस H2O दैट गिव्स कैल्शियम HCO3 होल ट्वाइस दैट इज नोन एज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की, इफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर दैट इज CO2 प्लस COH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देन व्हाइट प्रेसिपिटेट डिजॉल्व, जो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो बना है ये क्या होगा, ये यहाँ पे डिजॉल्व होके कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, अगर कोई आदमी है एसिडिटी से जब ज्यादा खाना खा लेते हैं तो क्या होता है, एसिडिटी होता है, तो क्या रेमेडी है, वी कैन सजेस्ट टेकिंग बेकिंग सोडा सॉल्यूशन एज ए रेमेडी बिकॉज बेकिंग सोडा रिएक्ट एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि जो स्टमक में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और क्या करेगा, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बेकिंग सोडा रिएक्ट होगा तो न्यूट्रलाइज कर देगा जिससे कि हमें रिलीफ मिलेगा। तो इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर हीटिंग वी कैन सजेस्ट
taking baking soda solution as a remedy because baking soda react with excess of hydrochloric acid in the stomach and neutralize it, balance कर देगा. This give relief to the acidity से person को आराम मिलेगा. नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं. एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर. अगर कोई एसिड बेस से रिएक्ट होता है दैट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. दैट इज आल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. जब एसिड बेस से रिएक्ट होता है तो न्यूट्रलाइज हो जाता है. दैट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन. साल्ट और वाटर बनता है. जैसे कि HCl प्लस NOH. HCl क्या है? एसिड है और NOH बेस है. तो क्या बना? साल्ट. NaCl प्लस H2O. NaCl इज अ साल्ट एंड वाटर. दैट इज अ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. नेक्स्ट, एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर. क्यों? मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं. जैसे कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट गिव्स मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर. दैट इज साल्ट एंड दैट इज वाटर. व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl रिएक्ट विथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O. H2O मीन्स वाटर. तो व्हेन मेटल रिएक्ट मेटल एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर. तो जो एसिड के रिएक्शन है, एसिड बेस से रिएक्ट होता है तो क्या? साल्ट एंड वाटर होता है. दैट इज न्यूट्रलाइज करता है एसिड और बेस को, आपस में न्यूट्रलाइज करके साल्ट बनाता है. वैसे ही अगर एसिड मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो भी साल्ट और वाटर बनता है. क्यों? क्योंकि मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है. एसिड का क्या यूजेज ऑफ एसिड्स? विनेगर, अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एस्टिक एसिड. विनेगर क्या होता है? एस्टिक एसिड का डाइल्यूट. हम जो घर में विनेगर यूज करते हैं 4-6% एस्टिक एसिड उसमें होता है. जो विनेगर हम घर में यूज करते हैं 4-6% जो हम आप देखते होंगे सिरका प्याज में डालते हैं या जितने पिकल्स होते हैं, तो जो उसमें एस्टिक एसिड का मात्रा होता है कितना? 4-6% होता है. अ विनेगर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एस्टिक एसिड हैज वेरियस हाउसहोल्ड एप्लीकेशन. इट इज प्राइमली यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव. फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है. सिट्रिक एसिड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लेमन जूस एंड ऑरेंज जूस. सिट्रिक एसिड का लेमन जूस ऑरेंज जूस. इट कैन ऑल्सो बी यूज एज प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. फूड को प्रिजर्व करने में यह भी यूज होता है. सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज इन बैटरी. जितने भी बैटरी जाते हैं, जो हम बैटरी यूज टू स्टार्ट द इंजन, और जितने घर में बैटरीज लगाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो उसमें जो एसिड यूज होता है वो कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड. द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एक्सक्लूसिव डाइज पेंट एंड फर्टिलाइजर्स इन्वॉल्व द यूज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. हम जो एक्सप्लोसिव या डाइज पेंट फर्टिलाइजर जो बनाते हैं मास स्केल पे, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का यूज होता है. फॉस्फोरिक एसिड इज की इंग्रेडिएंट इन मेनी सॉफ्ट ड्रिंक्स. बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक में जो फॉस्फोरिक एसिड की इंग्रेडिएंट के रूप में, मुख्य इंग्रेडिएंट के रूप में यूज किया जाता है. तो जो एसिड्स हैं वो हाउसहोल्ड में जितने भी फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज किए जाते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जो बैटरी हो गए, अभी इन्वर्टर हमारा घर में इलेक्ट्रिसिटी के लिए इन्वर्टर, तो हम बैटरी से ले
वहाँ हम जो उसमें बैटरी के लिए यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जितने एक्सप्लोसिव पेंट फर्टिलाइजर बनते हैं वहाँ भी यूज है। तो ये सारे यूज एसिड्स के हैं। तो आज ये सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे, आप इसको रिवाइज करेंगे तो और अच्छी तरीके से समझेंगे। और हम यही कहेंगे कि जितना आप रिवीजन करेंगे, क्योंकि अब बोर्ड का एग्जाम नज़दीक आता जा रहा है, तो उसी हिसाब से आपको रिवीजन पे ध्यान देना होगा। तो रिवीजन मस्ट है साइंस के लिए। नेक्स्ट सेशन में अब इससे आगे पढ़ेंगे, बेस के बारे में जानेंगे। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।